अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी पे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रीनल फंक्शन टेस्ट क्या चीज़ होती है, और अगर रीनल फंक्शन मतलब हमारे पास किडनी ख़राब हो जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या चीज़ होती है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी पर डिस्कस करेंगे कि क्योंकि जब भी हमारा किडनी फेलियर हो जाता है, एक्यूट भी हो या वो क्रॉनिक हो, तो हम लोग डायलिसिस के केस पे आ जाते हैं। और डायलिसिस का जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो हम लोग आर्टिफिशियल किडनी या फिर किसी डोनर से किडनी लगा देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो ट्रीट हो सके। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायलिसिस ये क्या चीज़ है और इसका क्या प्रोसेस होता है, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायलिसिस की डेफिनेशन है आपके लिए कि इट इज़ द प्रोसीजर टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल एंड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड टू रिस्टोर द नॉर्मल वॉल्यूम एंड द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी इन सीवियर रीनल फेलियर, और इसको हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। सो क्या है ये प्रोसीजर है? वही ये काम करेगा जो हमारा किडनी काम करता था। हमारा किडनी क्या करता है? इट रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एंड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। बट क्योंकि डायलिसिस जब हमारे होते हैं तो उन पेशेंट में एज के फैक्टर की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से क्या होता है कि उनकी किडनी इज़ नॉट एबल टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल एंड द टॉक्सिक मटेरियल आउट। सो देयरफॉर दिस पेशेंट नीड द डायलिसिस प्रोसीजर टू रिमूव ऑल ऑफ द वेस्ट मटेरियल एंड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी। सो दिस होल प्रोसीजर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। Now we discuss about the artificial kidney. What is artificial kidney? Actually, हम लोग क्या करें, the artificial kidney is the machine that is used to carry out dialysis during the renal failure. कि the machine which we are using to carry out dialysis is called as artificial kidney. और उसको हम dialyzer भी कहते हैं। And it is used to treat the patient which are suffering from acute renal pain and the chronic and the permanent renal failure. Patients can use the dialysis and artificial kidney. Because in the case of renal failure, our kidney is not able to perform their function properly. They are not able to remove the waste out. So therefore, in both chronic and acute renal failure, we have to install an artificial kidney, a machine which remove all the waste out of our body. So what is the mechanism of its function of artificial kidney? The term dialysis is referred to the diffusion of fluid from higher area to the lower area through a semi-permeable membrane. This is the principle of artificial. So the heading you will be given for this topic will be, I write here, principle of dialysis. That the main point and the main principle which we are following is that there occur a diffusion of solute from an area of higher concentration to an area of lower concentration through a membrane. This is called as a dialysis. The patient arterial blood is passed continuously intermediate to the artificial kidney. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट की एक आर्टरी से ब्लड लेते हैं, वो ब्लड सारा मशीन से पास करता है और वापसी हम लोग उसको बैक पे भेज देते हैं थ्रू द वेन। सो आर्टरी से हम ब्लड निकालेंगे और वेन से हम वापसी भेजेंगे। हेपरिन का जो एक एंटी कोगुलेंट है वो यूज़ किया जाता है ताकि जब ब्लड हमारे यहाँ मशीन से पास करे तो वो कोगुलेट ना हो। अगर ब्लड कोगुलेट हो जाएगा तो प्रोसेस इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनसाइड द आर्टिफिशियल किडनी द ब्लड प्रोसेस थ्रू द डायलिसिस कॉल्ड एज हीमोफिल्टर। ये जो मशीन है हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी में जहाँ से ब्लड पास करता है डायलिसिस से, उसको हम लोग हीमोफिल्टर कहते हैं, विच कंटेन जिसके अंदर माइन्यूट चैनल्स होते हैं इंटर पॉज बिटवीन द टू सेल्फ लेन की मेम्ब्रेन्स होती हैं। द सेल्फ लेन मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो पोरस इन नेचर होती हैं। अच्छा जी, आउटर सरफेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज बाथ विद अ फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड एज डायलेट एंड इट इज यूज टू कॉन्स्टेंटली रिप्लेस बाय द डायलिसिस यूरिया केराटिन फॉस्फेट सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलिसिस and the essential substances required by the body diffuse from the dialysis into the blood
And almost all the subconscious accept the plasma protein exchange between the blood and dialysis to the so sorry subconscious जो है वो plasma protein के अलावा सारा कुछ जो है वो उसका diffuse हो जाता है. In addition to dialysis, the dialysis machine has several blood pumps and the pressure monitor which is able to flow the blood away and back to the patient. It has pump for the flow of fresh dialysis and drainage of the total amount of blood in the dialysis machine at the time is about 500 ml of blood. वो एक time में आ सकता है. Rate of blood flow to the dialysis machine is about 200 to 300 ml and the rate of dialysis flow is 500 ml per minute. ये इस पैराग्राफ में जो लास्ट है इसमें सारे रेट बताया है कौन सा फ्लो कितने रेट में हो रहा है. यहाँ पर डायलिसिस की जो मशीन है उसके ऑपरेटर्स बताया गया है और यहाँ पर उसका मेन प्रिंसिपल बताया गया. उसके बाद हमने कहा है कि हम लोग हेपरिन को यूज़ करते हैं एज एंटीकोगुलेंट. उसके बाद ब्लड पास करते हैं एक डायलिसिस में जिसको हम हीमो फिल्टर कहते हैं. इसमें माइन्यूट चैनल्स होते हैं. उन चैनल्स के दरमियान में एक इंटरपोस्ट होता है जो कि होता है टू सेल्फ लाइन मेम्ब्रेन्स का. ये पोरोसिनोजर होते हैं. इन मेम्ब्रेन्स के आउटर पोर्शन पर आपका एक डायलिसिस का फ्लूड होता है जिसको हम डायलाइसेट कहते हैं. अब क्या होगा कि जो यूरिया कैरेटिन और फॉस्फेट है ये रिमूव हो जाएंगे. ऑलमोस्ट सारे सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो जाता है. डायलिसेट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर वापस चले जाते हैं और जो बॉडी के अंदर यूरिया कैरेटिन और फॉस्फेट जो वेस्ट है वो उस डायलिसेट के फ्लूड में आ जाता है सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन के. इस तरह डायलिसिस की जो मशीन है उसके अंदर सारे ब्लड के पम्प्स होते हैं और प्रेशर के मॉनिटर्स होते हैं. अमाउंट ऑफ ब्लड इन द डायलिसिस के मशीन के अंदर जो टोटल ब्लड है वो 500 का आता है और हम उसके अंदर डायलिसेट जो एक फ्लूड डालते हैं वो भी 500 का डालते हैं. लेकिन जो ब्लड का फ्लो का रेट है वो 200 से 300 तक रहता है. फ्रिक्वेंसी एंड द ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस फ्रिक्वेंसी एंड द ड्यूरेशन डायलिसिस डिपेंड अपॉन द सेवेरिटी ऑफ रिनल डिसफंक्शन कि रिनल की डिसफंक्शन कितनी है उतना ही हम उस डायलिसिस का जो फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन है वो बढ़ा देते हैं. डायलिसिस इज डन यूजली थ्राइस अ वीक इन सीवियर सीवेमा. एक वीक में तीन दफ़ा जो है वो हो सकता है जब हमें सीवियर यूरेमा हो जाता है. यूरेमा क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर फ्लूड का बढ़ जाना. FLUID फ्लूड फीलिंग इन बॉडी स्पेस. सो ईच टाइम अबाउट ईच टाइम फॉर द आर्टिफिशियल किडनी यूज फॉर द तकरीबन 6 घंटे का ये डायलिसिस का प्रोसेस होता है और हर वीक में 28 दफ़ा यूरिमा की वजह से हो सकता है ये. और इसकी जो डिपेंड है कि कितना लंबा ये जाता है वो डिपेंड करता है कि रीनल में डिसफंक्शनिंग कितनी हुई है उतना ये पीरियड जो है वो लोग हमारे पास होता जाता है. अब हम लोग आगे ये देखें इसकी डायग्राम भी हमें दिखा दी गई है जहाँ से आपको इजी. ये देखें ये हमारा पेशेंट है ठीक है. इसमें से एक ये देखें ये आर्टरी होगी पेशेंट की. ये पेशेंट की आर्टरी है. ये पेशेंट की वेन है. आर्टरी से हमने ब्लड लिया वो इस पाइप के ज़रिए से यहाँ से ये डाला से हीमो फिल्टर आ गया. इसके अंदर मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी. इस फैलो मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी. यहाँ से जो चीज़ें हैं वो कुछ बाहर चली जाएंगी. जो डायलिसिस के अंदर जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर वापसी आ जाएंगी और कुछ चीज़ें यहाँ से बाहर आ जाएंगी. उसके बाद ये वापसी चला जाएगा हमारी वेन के अंदर और इसके अंदर एक फ्लूड हम लोग फ्रेश डायलिसिस फ्लूड जो है वो हम इसके अंदर डालते रहते हैं और जो ओल्ड हो जाता है फ्लूड वो हम लोग यहाँ से यूज डायलिसिस जो फ्लूड है वो हम लोग बाहर निकाल देते हैं. अब डायलिसेट क्या होता है जो फ्लूड हम लोग डालते हैं उसके अंदर. द कंसिस्टेंसी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन डायलिसिस जस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट कि पेशेंट की नीड कितनी है उतना ही हम उसके जो डायलिसेट की कंसिस्टेंसी है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं. फ्लूड डज नॉट कंटेन यूरिया. इस फ्लूड के अंदर ना ही यूरिया होता है ना यूरिएट होता है ना सल्फेट होता है. फॉस्फेट भी नहीं होता है. कैरेटीन भी नहीं होता. सो दिस सब्सटेंसेस मूव ब्लड टू द डायलिसिस. फ्लूड हैज लो कंसिस्टेंसी ऑफ इस फ्लूड के अंदर लो कंसंट्रेशन होती है सोडियम की पोटेशियम की क्लोराइड आइंस की यूरिमा ब्लड की. कंसंट्रेशन ग्लूकोज बाइकार्बोनेट्स ये यूजफुल चीज़ें हैं वो ज़्यादा होंगी और जो अनयूजफुल चीज़ें हैं वो कम होंगी. सो कंसंट्रेशन हम लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं पेशेंट की नीड पे ठीक है. इस डायलिसेट के अंदर यूरिया सल्फेट फॉस्फेट और मतलब अनयूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो नहीं होंगे. जबकि इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं सोडियम और पोटाशियम
क्लोराइड की भी कंसेंट्रेशन इस फ्लूड के अंदर लो होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें लो हैं? यूरिया, यूरेट, सल्फेट, फॉस्फेट, केरेटिन, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड, ये सारे लो होते हैं यूरिन में ब्लड से ना। और इनके अंदर जो कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट्स हो गए, कैल्शियम आयन हो गए, वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है। अब ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग पेरिटोनियल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के, और कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, और फिर उसमें से हम डायलिसिस को पास करते हैं। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द डायलिसिस पास थ्रू द वास्कुलो फ्रॉम द एब्डोमिन, यूरिया, सफेद और ये रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा लेटर जो ड्रेन है वो ड्रेन आउट हो जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस इज सिंपल, कन्वीनियंट एंड लेस एक्सपेंसिव टू मी एज अ मटेरियल है। एंड द पेशेंट देमसेल्व्स कैन चेंज द फ्लूइड इन आउट पेशेंट बेसिस। इट इज हैज अ फ्यू ड्रॉबैक्स एंड इट हैज लेस एफिशिएंट इन मूविंग एंड रिमूविंग सम टॉक्सिंस एंड मे लीड टू द कॉम्प्लिकेशंस द इन्फेक्शंस भी क्रिएट कर सकता है। सो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले क्या है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, क्या होता है कि एब्डोमेन के केस के बाहर एक पेरिटोनियल इस तरह से मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमीएबल जो मेम्ब्रेन होती है। हम कैथेटर एक इंसर्ट करते हैं, कैथेटर इस तरह के शेप का कुछ भी होता है जो हम पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, ये कैथेटर जाता है और इस कैथेटर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स डायलिसिस जो है वो पास करते हैं इस कैविटी के अंदर। और फिर क्या होता है कि इस ब्लड के वेसल, यहाँ पर ब्लड हो वेसल्स होंगी, उसके अंदर जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे वो इसके अंदर मूव कर जाएंगे और अब वो हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस सिंपल भी है, कन्वीनियंट भी है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेफ एफिशिएंट है बाजू का, कुछ सब्सटेंसेस को ये रिमूव नहीं कर सकता और कुछ ये इन्फेक्शंस जो है वो क्रिएट कर देता है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरिमा। यूरिमा क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि ब्लड में जो यूरिया का लेवल है और यूरिया, नाइट्रोजन और कैरेटिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। यूरिया का लेवल, कैरेटिन का लेवल और नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो जाने के लिए यूरिया होता है। यूरिया में क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे ऑर्गेनिक एसिड एंड फिनोल्स आर आल्सो एक्युमुलेटेड इन द ब्लड। आर्टिफिशियल डायलिसिस कैन रिसीव मोर देन डबल अमाउंट ऑफ यूरिया दैट कुड बी एक्सक्रीटेड बाय बोथ नॉर्मल किडनी, कि किडनी जो हमारी जितना यूरिया करता है उससे डबल वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। 200 से 250 एमएल ऑफ प्लाज्मा कुड क्लियर ऑफ यूरिया पर मिनट, बट द यूरिया क्लियरेंस ऑफ अ नॉर्मल किडनी इज ओनली अबाउट द 70। हमारा कि आर्टिफिशियल तरीके से 200 से 250 ml यूरिया बाहर निकल आता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो 70 ml से बाहर निकलता है। और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं डायलिसिस में। पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करती है पेशेंट की एज पे, एग्जिस्टेंस ऑफ डिजीज पे। और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं? एक तो स्लीप का डिसऑर्डर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये चीज़ें जो हैं वो उसी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं। तो ये था हमारा डायलिसिस के ऊपर, हमने इसका शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं कि ये कैसा प्रोसीजर था जिसमें हम वेस्ट को रिमूव कर रहे थे। आर्टिफिशियल किडनी इसकी मशीन है और इसका प्रिंसिपल हमने देखा कि हम लोग फ्लूइड की रिपियन करवा रहे हैं मेम्ब्रेन के ज़रिए से। हेपरिन हम एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं, हीमोफिल्टर्स होते हैं इसके अंदर जिनके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, फ्लूइड हम लोग डालते हैं और फिर हमारा सारा कुछ बाहर निकल आता है। इसकी ड्यूरेशन पेशेंट की एज और उसकी रिनल की खराबी से डिपेंड करता है, और अगर यूरिमा सिवियर हो तो इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। डायलिसिस वो फ्लूइड होता है जिसको हम लोग डालते हैं उस मशीन के अंदर और रिमूव करते हैं सारी चीज़ें। फिर डायलिसिस की कंपोजिशन पे हमने बात की कि उसकी कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पेरिटोनियल डायलिसिस और उसका हमने प्रोसीजर देखा कि उसके प्रोसीजर में आपने किस तरह से उसका परफॉर्म करना है। फिर यूरिमा को हमने देखा कि ब्लड में जो यूरिया का लेवल है, नाइट्रोजन का लेवल है और कैरेटिन का लेवल है वो बढ़ जाना, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड और फिनोल का बढ़ जाना। फिर यूरिया का लेवल जो आर्टिफिशियल किडनी से रिलीज होगा वो 200 से 250 होगा, लेकिन अगर हम नॉर्मल यूरिया क्लियरेंस की बात करते हैं तो वो 70 ml है। यूरिया क्लियरेंस क्या होता है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में अपने बताया है कि क्या चीज़ होती है कि हमारे जो यूरिया के ज़रिए से अगर हम एक क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल कितना है, नॉर्मल उसकी वैल्यू 70 होती है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? वो स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है।
that's all about the today's lecture. I hope that you will enjoy my video. Please subscribe my channel and like my videos, and take care of yourself. Allah Hafiz.